एक शख्स है मिस्टर ए, ए और बी रख रहा हूँ क्योंकि सूद की बात आ रही है तो कोई अच्छा सा नाम देने अच्छा नहीं लगता है। ए बी को कहता है कि बी ऐसा करेंगे, मैं तुम्हें एक बिजनेस प्लान बता रहा हूँ। बिजनेस प्लान ये है कि तुम 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करो और मैं तुम्हें 10% प्रॉफिट दूंगा, 10% प्रॉफिट दूंगा, 10% प्रॉफिट तुम्हारा। सही है गलत है? सही है गलत है? सही। कोई सही कह रहा है 10% प्रॉफिट, हाँ सही है, और कोई गलत कह रहा है? जी कौन गलत कह रहा है? उसमें रिस्क एक्टिविटीज नहीं है, मतलब प्रॉफिट रिस्क ना। चलो लॉस भी 10%, तो फिर सही। अगर लॉस कहता तो गलत, लेकिन अभी चलो सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है तो वहां तक क्या है, मतलब वो गलत है। प्रॉफिट का परसेंटेज 10%, इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको? हाँ, फिक्स अमाउंट हो जाता है, फिक्स अमाउंट है, फिक्स प्रॉफिट भी हो सकती है, 8% भी हो सकती है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही है इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर कहता है कि प्रॉफिट ही मिलेगा तुम्हें 10%, दैट इज फिक्स। सिंपल सी बात है कि जितना भी नफा होगा वो नफा का 10% देंगे तो जायज है, जो कैपिटल है वो कैपिटल का 10% देंगे तो, कि भाई आपने 1,00,000 इन्वेस्ट किए ना, आपको हर महीने 10,000 प्रॉफिट मिलेगा, आपको हर महीने 10,000 प्रॉफिट, 10%, जायज है नाजायज है? अब क्लियरली नाजायज। क्यों नाजायज है? क्योंकि फिक्स हो गया ना। अब 10% के लिए नाम क्या दे रहे हैं? वो प्रॉफिट, लेकिन है क्या वो? सूद। सूद क्या नाम बदल के आया? प्रॉफिट का नाम लेकर आया, नफे का नाम लेकर आया सूद। तो वो नफे का नाम लेने से नाम से कंफ्यूज हम नहीं होंगे, वो नफे का नाम है लेकिन वो नफा नहीं है, वो क्या है? सूद है। जो सूद क्या है? हराम है। तो अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट का परसेंटेज है, नफे का 10% दूंगा, नफे का 20% दूंगा, तो जायज है? तो जायज है, नफा होगा तो मिलेगा ना, जितना नफा होगा उसका 10%, 20%, 50% देना जायज है, 50% देना जायज है, 60% देना जायज है, 60% देना जायज है। जो नफा होगा उसमें तो निगोशिएशन है, तो प्रॉफिट का अगर हिस्सा दे रहे हैं, नफे का हिस्सा दे रहे हैं, तो नफा खुद वेरिएबल है, नफा कभी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी बम्पर हो जाएगा, कभी एवरेज होगा, कभी बिलो एवरेज, कभी लॉस भी हो सकता है। तो नफे नुकसान में पार्टनरशिप कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि जब कैपिटल का परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है, आपने इतना कैपिटल दिया, इसका इतना परसेंट तुम्हें प्रॉफिट के तौर पर दिया जाएगा, तो नाम से धोखे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नाम है प्रॉफिट लेकिन है क्या? सूद है। वो एक मिसाल हो गई। तो हमने देखे नाम कैसे बदल के आ रहा है।